बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्यों का और शिक्षा का केंद्र और संस्कृति का गढ़ बना हुआ था। आज भी बिहार की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण है। बौद्ध धर्म का महान आध्यात्मिक मार्ग प्राचीन बिहार में ही उत्पन्न हुआ और फला फूला, क्योंकि भगवान बुद्ध को बोधगया में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए यह क्षेत्र स्तूप के नाम से जाने वाले मठों को अवशेषों से भरा हुआ है। जैन नेता महावीर भी इसी क्षेत्र में थे और उन्होंने पावापुरी में अपना निर्वाण प्राप्त किया था। प्राचीन काल में बिहार दुनिया भर के सिखाने वाले के लिए शिक्षा का केंद्र था। पाटलिपुत्र भारतीय सभ्यता का गढ़ तो था ही, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय के रूप में सामने आई है। माना जाता है नालंदा पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थीं कि खिलजी की सेना ने जब इस पुस्तकालय में आग लगाया तब इस पुस्तकालय की किताबों को जलने में लगभग 3 माह का समय लग गया। बिहार में मौर्य और गुप्त जैसे राजवंशों ने राज किया था। भारत के 4 महानतम सम्राट चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य बिहार में ही हुए थे। बिहार प्राचीन काल में मगध कहलाता था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे बदलकर पटना रख दिया गया। मान्यता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध विहारों के विहार शब्द से हुई है, जो बाद में बिहार हो गई। और इस तरह से बिहार प्राचीन काल से ही समृद्ध संस्कृति वाला राज्य रहा है। रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक में बिहार का जिक्र मिलता है। कई धर्मों का जन्म भी इस राज्य से हुआ है। इसी राज्य में एक प्राचीन मंदिर कैमूर जिले में स्थित है, जो कि पूरे दुनिया का सबसे पुराना मंदिर के रूप में उभर कर सामने आई है। यह मंदिर कैमूर जिले में स्थित है। इस मंदिर का संबंध मार्कंडेय पुराण से भी है, जिसमें शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड का वध की कथा मिलती है। देवी के इस मंदिर में प्राचीन शिवलिंग का चमत्कार भक्तों को देखने को मिलता है। हमारे देश भारत में कई सारे मंदिर ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने हैं, जैसे कि अजंता एलोरा का कैलाश मंदिर, तिरुपति शहर का विष्णु मंदिर और कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर। लेकिन इन सभी मंदिरों से भी पुराना है मुंडेश्वरी देवी मंदिर। माना जाता है इस मंदिर का निर्माण 108 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर महादेव की और देवी की पूजा होती है। लगभग देवी के हरेक मंदिर में बलि की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार से मुंडेश्वरी देवी मंदिर में भी बलि की प्रक्रिया है, लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी अलग है। मुंडेश्वरी देवी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर पशु बलि जो दी जाती है वह एक सात्विक परंपरा से दी जाती है। आइए जानते हैं सात्विक परंपरा से पशु बलि किस प्रकार से दी जाती है। यहाँ बलि में बकरे को जब चढ़ाया जाता है लेकिन उसका जीवन नहीं लिया जाता। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की क्रिया की जाती है। जब बकरे को माता के सामने लाया जाता है तो पुजारी जी मूर्ति को स्पर्श करा करके अक्षत डालते हैं। उसी समय वह मृत प्राय सा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद पुनः पंडित उस पर अक्षत फेरते हैं तो वह पुनः उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद उसे मुक्त कर दिया जाता है। यह चमत्कार आंखों के सामने जब होता है तब आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह सत्य है। चंड मुंड नाम के असुर का वध करने के लिए देवी यहाँ पर प्रकट हुई थी। कहते हैं चंड के विनाश के बाद मुंड युद्ध करते हुए इसी पहाड़ी में छिप गया था। यहीं पर माता ने मुंड का वध किया था और तभी से इस पहाड़ी का नाम मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पहाड़ी पर बिखरे हुए पत्थर और स्तंभ को देखने से लगता है जैसे कि उन पर श्री यंत्र या कोई और अन्य सिद्ध यंत्र उकेरे हुए हैं। देवी का मंदिर बिना महादेव के तो रह ही नहीं सकता, इसीलिए माँ मुंडेश्वरी मंदिर में भगवान शिव की एक पंचमुखी शिवलिंग है। शिवलिंग की भी एक अलग ही कहानी है। इस पंचमुखी शिवलिंग के बारे में बतलाया जाता है कि इसका रंग सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग दिखाई पड़ता है। देखते ही देखते यह शिवलिंग कब अपना रूप और रंग बदल लेती है किसी को पता ही नहीं चलता। मंदिर परिसर में अनेकों शिलालेख हैं जिन पर ब्रह्म लिपि का प्रयोग किया गया है। मंदिर का गर्भगृह अष्टाकार है। मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में भी इस मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब मुगल सैनिक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश करने लगे तो कहा जाता है कि मुगल सैनिक मुख्य मंदिर को तोड़ने लगे।
लेकिन इसके पूर्ण विध्वंस से पहले ही उनके साथ अनहोनी होने लगी। इसके बाद इस मंदिर को अर्धखंडित अवस्था में ही छोड़कर वो लोग चले गए। वहां खंडित मूर्तियों का एक विग्रह आज भी मौजूद है। मंदिर की दीवारों पर अनेकों कलाकृतियां अंकित हैं, जैसे कि प्रवेश द्वार पर गंगा और यमुना की कलाकृति। माता का अष्टाकार गर्भगृह जाने किस बात को घोषित करता है। यह 8 सिद्धि का प्रतिनिधित्व करता है या माँ के 8वें रूप महागौरी का प्रतिनिधित्व करता है। माता का मुंडेश्वरी देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से भी एक है।